नमस्कार दोस्तों, ग्रेस एंड ग्लैम की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं इस विषय पे बोल रही हूँ क्योंकि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, यानी कल का दिन काफ़ी खास है क्योंकि कल हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, और इसका प्रचलन शुरू हुआ 14 सितंबर 1949 में, क्योंकि भारत की संविधान सभा ने घोषणा की कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा गणराज्य है, यानी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा तो है, और आप में से बहुतों की ये मातृभाषा भी है। हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा है और इसकी महत्वता जो है हमें हर एक को समझानी चाहिए। हिंदी दिवस के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि हमें इसे क्यों मनाना चाहिए और इसकी क्या महत्वता है हमारे देश में, हमारे जीवन में। अगर कहा जाए तो हिंदी हमारे संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हिंदी जानना एक गर्व की बात है। हिंदी हम जानते हैं कि हम सब अंग्रेज़ी के आदि हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी का अनादर करें। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हिंदी दिवस भी कोई दिन है जब हम मनाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी भाषा की साक्षरता नहीं है, और बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे शायद हिंदी का उतना आदर नहीं है और हिंदी का और आदर किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ हमारे कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में और हमारे कुछ उत्तर पूर्वीय राज्यों में, जहाँ पे हिंदी से ज़्यादा अंग्रेज़ी को ज़्यादा पहचान दी गई है। अंग्रेज़ी जानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी भाषा, अपनी देश की भाषा को भूल जाए। आप में से बहुत लोग ये भी सोचते होंगे, कहते भी हैं कि मैं अपने जो वीडियोज़ है वो इंग्लिश में बनाती हूँ, अंग्रेज़ी में बनाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हिंदी का आदर नहीं है। वैसे मैं अपने वीडियोज़ अपने मातृभाषा में भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अपनी मातृभाषा की इज़्ज़त नहीं करती या हिंदी की इज़्ज़त नहीं करती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस भाषा में ज़्यादा बोलचाल रखते हैं उसमें थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं हिंदी भाषा की आदर ना करूँ या अपने मातृभाषा को भूल जाऊँ। वो बिल्कुल पहले है। और अगर मैं बात करूँ तो हमें हिंदी भाषा को पूरी तरह से आदर देना चाहिए। हम चाहे तो हम इसमें लिखने में या पढ़ने में साक्षरता ना कर सकें, लेकिन कम से कम अपने बोली में तो ला ही सकते हैं, ठीक है। सो हिंदी भाषा का जो चलन है वो ज़्यादातर उत्तर भारत में है, और हमारे केंद्रीय भारत में है, कुछ पश्चिम में है, कुछ पूर्व में है, लेकिन जो उत्तर पूर्वीय राज्य है और दक्षिण जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य है उनमें थोड़ी सी कम बोली जाती है। तो मेरा अनुरोध सबसे यही रहेगा कि हमें हिंदी भाषा को और ज़्यादा जोर देना चाहिए और आगे आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की भाषा है, ठीक है। अंग्रेज़ी तो खैर है ही, लेकिन हिंदी भाषा को हमें ज़्यादा तजुब्बुर देना चाहिए। हिंदी दिवस पे जगह जगह काफ़ी खुशी की लहर बहती है, और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स जो है वो आयोजित किए जाते हैं, जैसे निबंध हो गया, स्पीच हो गया, लेख हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हर विद्यालय में, हर उच्च विद्यालय में, नहीं कहते हर कार्यालय में किया जाए, हर एटलीस्ट हर विद्यालय में या उच्च विद्यालय में तो आयोजित की जा ही सकती है, ताकि जो हमारी जो विद्यार्थी है, हमारे जो युवा है, उनमें जागरूकता बढ़े। क्योंकि हिंदी सिर्फ हमारे लिए एक भाषा नहीं है, हिंदी हमारे लिए संस्कृति भी है, हिंदी हमारी पहचान है, ये हमारी अपनी भाषा है। सबसे यही अनुरोध रहेगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को पता चलेगा, सबको पता चले कि हिंदी दिवस कोई दिन है जिसे हम बहुत ही ज़ोर शोर से मनाते हैं, और ये काफ़ी खास है हम सब भारतीयों के लिए। आपका क्या मानना है? हमारे राष्ट्रीय भाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति
के महत्व पर जोर देने के लिए एक महान कदम है, एक सफल प्रयास है। ये हमें अपने संस्कृति और मूल्यों को बरकरार रखना चाहिए ये याद दिलाता है, और हमारी जो देशभक्ति की जो भावना है उसे भी जगाता है। साल 1918 में महात्मा गांधी ने खुद हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने को कहा था। वैसे इसे गांधी जी ने खुद जनमानस की भाषा भी कही थी। मुझे आपको ये सूचना देने में काफ़ी खुशी हो रही है कि हिंदी भाषा जो है विश्व का तीसरा सबसे लोकप्रिय भाषा है, और इसे करीब 55 करोड़ लोग जो है वो हिंदी भाषी है। करती हूँ कि मेरे इस छोटे से प्रयास में आपको थोड़ी बहुत सूचना, थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी हिंदी दिवस के बारे में और हमारे संस्कृति, हमारे भाषा के बारे में। आप में से कुछ लोगों ने अनुरोध किया है कि मैं अपने वीडियोस कुछ हिंदी में बनाऊं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं महीने में कम से कम एक या दो वीडियो जो है वो हिंदी में ज़रूर बनाऊं। आप सबके तारीफों के लिए शुक्रिया, आप सबके फीडबैक के लिए काफ़ी काफ़ी धन्यवाद। तो मैं बार बार आती रहूँगी और आपके लिए अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ है लाती रहूँगी। ऐसे ही मेरे जो वीडियोज़ है और मेरे जो कार्यक्रम है आप देखते रहिएगा, और अपनी जो कोई भी फीडबैक है मुझे देते रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो।